बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रमज़ान अली आज बिज़नेस टुडे में आपके साथ मौजूद है। नाज़रीन, बिज़नेस टुडे प्रोग्राम का आगाज़ करने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि बैंकों और मालियाती इदारों के अफसरान, मुलाज़मीन और एग्जीक्यूटिव्स के जो भी मसाइल होते हैं वो मसाइल हम अवाम तक पहुँचाएँ। मसाइल हम हर तो हल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उन मसाइल को हम एवान तक पहुँचा सकते हैं, उन मसाइल को उजागर कर सकते हैं और बैंकों और मालियाती इदारों के जो अफसरान हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो यूनियन हैं, एसोसिएशन हैं, यहाँ हम अपने 99 न्यूज़ चैनल के दफ्तर में बुला के उनसे हम मालूम करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। तो आज हमने आज UBL का इंतखाब किया है। UBL माशाल्लाह से पाकिस्तान के बैंकों में, बड़े बैंकों में शुमार किया जाता है और बड़े नेटवर्क का हामिल बैंक है। लेकिन बदकिस्मती से जिन्होंने इस बैंक को आगे पहुंचाया, जिन्होंने इस बैंक के नेटवर्क को बहुत वसीह किया, वो आज बदहाली का शिकार हैं। वो कैसे हैं, क्यों हैं, इस हवाले से आज हमने UBL वर्कमैन यूनियन के चेयरमैन परवेज हसन साहब को यहाँ मधु किया है अपने दफ्तर में। उनसे हम मालूम करेंगे कि मुलाजमीन निचकारी के बाद, जब UBL की जब निचकारी हुई उसके बाद से बदहाली का शिकार होने शुरू हो गए और आज इस कदर बदहाल हैं कि नाज़रीन मैं तो नहीं बता सकता, ये परवेज साहब ही आपको बताएंगे कि किस कंपल्सरी किस मुश्किल हालात के अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात कराते हैं UBL वर्कमैन यूनियन के चेयरमैन परवेज हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आज 99 न्यूज़ चैनल की दावत पर आज आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया और मुलाज़मीन के मसाइल पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मसाइल तो बहुत सारे हैं परवेज हसन भाई, कि आपने देखा कि UBL का एक दौर था, एक सुनहरा दौर था UBL का, और UBL में जो मुलाजमन थे सबसे ज़्यादा खुशहाल थे वो। और जब UBL की निचकारी हुई उसके बाद जब मालका सेटों ने ये उसको बैंक को ख़रीदा तो सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती UBL के मुलाजमन के साथ हुई। रातों रात मुलाजमन को निकाल दिया गया, रातों रात क्या से क्या हुआ ये हम आप आज थोड़ा सा वाजह करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ और आज जिस बदहाली का और जिस मुश्किल के अंदर मुलाजमीन शिकार हैं। अब तो मुलाजमीन भी कम रह गए, रिटायर हो गए, कुछ दुनिया को अल्लाह को प्यारे हो गए और मतलब बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता, ये तो आप खुद ही बताएंगे। तो आप हमें बताएं परवेज साहब कि इस वक्त मुलाजमीन UBL मुलाजमीन निचकारी के बाद के साथ क्या हुआ? 99 न्यूज़ का मैं बेहद मशहूर हूँ कि जो नए लीडरान हैं, जो नए पौधे लगाए हैं बड़े लीडरानों ने, जो आज वो बीज बोया, जो फसल आज तैयार हो रही है, इनको कवरेज जो है ना, ये कदावर जो बहुत कदावर चैनल है वो नहीं देते हैं। क्यों देंगे? उनके मुफादात हम लोगों से क्या है, हमारी क्या पोजीशन है, हम कितनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, कितना अरब रुपए का, कितना करोड़ रुपए का इनको हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए इन चैनलों को। लिहाजा 99 न्यूज़ चैनल और ये बैंकिंग पहले कर रहे थे, बैंकिंग एक्सप्रेस वगैरह, यही लोग हमारी खिदमत कर रहे थे बिला लॉस। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, शायद इस मजलूमों की दुआओं की वजह से आज 99 न्यूज़ एक चैनल बना लिया है और आज भी इन्होंने हमें नहीं भूला, जिसके लिए मैं 99 न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ। और हम जैसे लोगों को बुला करके अपने स्टूडियो के अंदर इज़्ज़त देते हैं, बेहद मशहूर हूँ, बेहद मशहूर हूँ। इन्होंने सवाल किया कि बैंक की तबाही आप देख रहे हैं, ब्रांचें उजड़ गई हैं, आप ब्रांचों में जाएँ, 4 स्टाफ हैं, 3 स्टाफ काम कर रहे हैं, 3 स्टाफ से कैसा बैंक चलेगा? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता।
आपने इतना बोझ डाल दिया है इन स्टाफ के ऊपर, वो अपने आप को नहीं चला सकेंगे। रहा सवाल तबाही, तबाही तो जब शुरू हो गई थी जब आपने ये तमाम प्रॉपर्टियां बेच दी। घर के सरबराह को भी तकलीफ होता है जब उसका प्रॉपर्टी बिकता है, इस बैंक के सरबराह को कोई तकलीफ नहीं हुआ। उस प्रॉपर्टी के साथ इस बैंक के अंदर जो सीनियर बैंकर आने हैं, जिनको आप लोगों ने एक मुश्तकल से इनको सबको फारिग कर दिया, ये लोग जब बैंक के दरवाजे पे आए तो एक गार्ड सबसे निचला तबका एक अपने वीपी को बोलता है कि सर आप ब्रांच में अपना बॉल पेन, अपना वॉलेट या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है। वो बैंक का तो यही हाल होना है ना मेरे भाई, तो कौन जिम्मेदार है इनके? तो परवेश साहब मुझे मेरा एक सवाल यह है आपके लिए कि उस वक्त सीबीआई यूनियन बड़ी इकदार थी, बड़ी नाम था उसका सीबीआई यूनियन का, अजीज़ मेहमान साहब का एक बड़ा नाम था, तो उन्होंने कोई मुलाजमिन के निकाले जाने के बाद कोई एहतजाज या कुछ ऐसा कुछ या कोई प्रोटेक्स वगैरह कुछ किया? हाँ बहुत कुछ किया हम लोगों ने। वो कैसे करते, उनका आप लोगों ने हाथ मान दिया था, आप लोगों ने 140 मुकदमात किए थे अब्दुल अजीज मेमन के लिए। आपके जो स्टाफ वहाँ पर डेली वेजिस पे थे, जिनको वाउचरों पे सैलरी, डेबिट वाउचर पे सैलरी मिल रहा था एक साल डेढ़ साल का, पूरे पाकिस्तान का आपने डेबिट वाउचर को जो है ना एक फिगर बना करके कई करोड़ रुपए का आपने उन पर केस बना दिया कि डेबिट वाउचर अजीज मेमन ने लिया। कौन से अजीज मेमन 30 रुपए का वाउचर लेने, क्या पागल बनाने वाली बातचीत है यार। एक चाय वाला बैंक को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा सकता है, एक पियोन क्या बैंक को अरबों रुपए का राइट ऑफ करा सकता है, एक किलर क्या आपका करोड़ों रुपए का राइट ऑफ कराने वाले कौन लोग हैं बैठे हुए? जाएं ऊपर जाके ढूंढें आप लोग, कहाँ थी उस वक्त नैब, कहाँ थी FIA, कहाँ थे उस वक्त लोग? उस वक्त उनको पकड़ना था यार, वो तो बैंक में आते ही नहीं था, तो वो कहाँ से उसके लिए आप ये बात कर रहे हैं। छोड़ें इल्जामात को, जिस तरह आज के ट्रेड यूनियन लीडरों को इन्होंने, जो आप सुन रहे ना फाइव फिंगर चाइना का, ये फाइव फिंगर से जिस तरह आप लोगों ने आज दबाया हुआ है, उस वक्त भी इनके साथ वही कुछ होता था मेरे भाई, सिर्फ फ़र्क है नज़र से देखने का। अजीज मेहमान की तोते बोलती थी UBL में, एक नाम था वो खाली फ़ोन करते हैं किसी एग्जीक्यूटिव को या किसी बैंक को मैनेजर को, तो बैंक हिल जाता था, लोग निकाले गए बदहाली का, जिसे मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फिर बैंक को प्राइवेटाइज किया गया, उसके ऊपर भी बैंक कोई किया यूनियन ने, क्योंकि उस वक्त यूनियन बड़ी बरसर इकदार थी, नहीं एसोसिएशन तो थी नहीं उस वक्त शायद। असल में अजीज मेमन साहब का जुर्म ये था, एक चीज़ आप बेच रहे हैं, एक चीज़ आप बेच रहे फरोख्त कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू से वो ये कह रहा था कि आप स्टाफ को दे दें, ये जुर्म था उसको। मेरे बड़े भाई की प्रॉपर्टी है, वो अगर बेचना चाह रहा है तो छोटा भाई आपको मार्केट वैल्यू दे रहा, दे देते हैं आप उसको। शायद आज ये BCI से ऐसा हो जाता बैंक, स्टाफ दिल लगा के काम करते हैं। उस वक्त बैंक फ़ौरन बेचने के बाद कोई जनरल टायर कंपनी से आ गया, कोई फिलिप्स कंपनी से आ गया, अरे यार उनको फाइनेंस का कोई तजर्बा ही नहीं था, तो वो कैसे बैंक चलाता, वहीं से शुरुआत हुए इसकी। अच्छा, उस वक्त के सदर जो है, मुझे जहाँ तक मेरे याद पड़ता है, शायद जुबैर सुमरो साहब, शफी अरशद और MR खान साहब थे, जुबैर सुमरो साहब थे। अब जुबैर सुमरो साहब मेरा ख्याल ये है कि नेशनल बैंक में चेयरमैन कैसे अब तबाही करने के लिए वहाँ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये और बताएं बात कि अभी इस वक्त यूनियन सिर्फ नाम की है, और यूनियन का किरदार अब कहाँ तक रहा, क्योंकि मुलाजमन तो ना तनख्वाह में इजाफा है, ना कोई बेनिफिट है, ना कुछ, आला इंतजामिया जो है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, क्या कर रही है? तो परवेश साहब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप ही उनका हिस्सा रहे हैं यूनियन का। मैं 88 से हिस्सा रहा हूँ उनका, 1988। तो बड़े अहम होते हैं, फाइज भी हैं, चेयरमैन हैं माशाल्लाह। और 89 से मैं रहा हूँ, मैंने तो बहुत करीब से देखा है इनको भाई। बात यह है कि इंतज़ामिया नहीं है सिर्फ हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हम किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेकर के? आपके ख्याल में इन महंगाई का दौर पे हम अपना पेट पालने के बाद, अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद जो पैसे बच रहे हैं, तो क्या हम इंतज़ामिया से लड़ें?
कितने ऐसे इदारे हैं, कितने ऐसे एनजीओज हैं। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, आला हुकाम, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्टर से मैं गुजारिश करता हूँ, जिस तरह एनजीओज बहुत सारे इशू पे काम कर रही है, इसी तरह कुछ एनजीओज लेबरों के लिए भी काम करें। ये बहुत नेकी का काम है, किसी को रोज़गार देना, किसी के रोज़गार को तहफ़ फराहम करना। आया एनजीओज निकल के आए, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, एनजीओज को आना चाहिए और एक अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिनमें जबरी निकाल दिया जाता है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, बाथरूम में, बैंक के बैक साइड में जाके आंसुओं से रो रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्या करें उसको। जब जी चाहता है, जिसको चाहता है, कुछ भी जुल्म हो जाए, आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, इंसाफ कब मिलेगा, 15 साल बाद। आप मिल गया, आप हाईकोर्ट चले जाएं, आप परमानेंट चले जाएं, लेबर कोर्ट आ जाएं, धक्के खा खा के लोग मर गए, नहीं मिला इंसाफ, कब मिलता इंसाफ, कौन कहता है इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, लेबरों को तो नहीं मिलेगा। अगर लेबरों को इंसाफ मिलना होता तो ज़्यादती नहीं होता, इदारों में ज़्यादती नहीं होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, नहीं है चेक एंड बैलेंस। मौजूदा हालात पे हम आते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि मौजूदा हालात जो इस वक्त यूवीएल के चल रहे हैं उसमें अब मुलाज़मीन की तादाद बहुत कम रह गई है, मैं समझता पूरे पाकिस्तान में बहुत थोड़ी सी रह गई है, और इस मौजूदा हालात में जो यूनियंस वगैरह हैं वो बिल्कुल ही जो है इंतज़ामिया के आलाकार बन चुके हैं, बस मसाइल तो हल क्या करना है, मसाइल तो बड़े रहे, ज़ाहिर है तनख्वाह, महंगाई जो इस वक्त जा रही है। एक वक्त था परवेज साहब के जब कोई बैंकर बच्चा होता था, जब उसके घर में रिश्ता था तो लोग बड़े खुश होते थे कि यार हमारा दामाद या हमारा बेटा बैंकर है, और उसकी लड़की शादी करने को बड़ा ही मांग किया जाता। तो अब लोग डरते हैं कि नहीं बैंक में नौकरी अपने बच्चों को कराने से डरते हैं कि नहीं जी बैंक में नौकरी नहीं करानी। जी रमजान साहब, ये बिल्कुल हकीकत है। पहले बैंकरों के घरों में अगर लड़के होते थे, ख़ानदान के लड़कियों के लिए रिश्ते आते थे, और वो बड़ी कोशिश करते थे कि इस फैमिली में या हमारे अपने रिश्तेदारों में रिश्ता हो जाए बेटों का, बच्चों का, ताकि ये खुशहाल रहें, अपने टाइम से आ जाते थे, उनको वक्त मिल जाता था, है ना, एक अच्छा मतलब लाइफ था। अब अगर इन्हीं लोगों को, यही फैमिली को, लोगों को पता लगता है कि यूनाइटेड बैंक में लड़का या दीगर बैंक में जॉब करता है, तो रिश्ता तो दरकिनारे, रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे तक स्टाफ घर पहुँचते। मतलब बताने का मेरा मकसद ये है कि अब बैंकिंग टाइमिंग जो है तो वह है सुबह 9 से शाम 5 बजे या 6 बजे तक, लेकिन सुबह 9 बजे आने का तो वक्त है बैंक में, लेकिन मदद के साथ जाने का कोई वक्त नहीं है। 11 बज जाते हैं 12 बज जाते हैं, बैलेंस नहीं हुआ, कैश शॉर्ट हो गया, स्टाफ परेशान, नमाज का कोई वक्त नहीं है, जी पैंट शर्ट पहन के, मतलब बड़ी बड़ी सूरत हाल इस वक्त बैंकों की ख़राब है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है ना, और बहुत रिक्स हो गया है बैंकिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा रिक्स हो गई है। अब ये जो है परवेज साहब से हम पूछेंगे, लेकिन नाज़रीन हम जाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तो आइए चलते हैं ब्रेक के जाने। डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर। अभी बुकिंग कराएं और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हमारा सवाल परवेज साहब से यह था कि सुबह 9 बजे का टाइमिंग है लेकिन जाने की कोई टाइमिंग नहीं बैंक स्टाफ की, तो इस हवाले से हम आप बात करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो परवेज साहब, आप बताएं कि सुबह 9 बजे आने का तो टाइम है स्टाफ का, लेकिन रात गए तक बैंकिंग जारी रहती है, और इस्लामिक बैंकिंग का भी एक बड़ा चक्कर चलाया हुआ है कि इस्लामिक बैंकिंग का नाम दिया हुआ है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग तो है लेकिन इसमें क्या हाल है ये आप बताएं। रमजान भाई, ये तो हकीकत है आपके 9 to 5 तो आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन उसके बाद स्टाफ को बैठाना ये तो सरासर ज्यादती है। और होता ये टाइमिंग तो ये एज ए सर्कुलर शो करते हैं, लेकिन पीछे से टेलीफोन पे इनको इंस्ट्रक्शन होता है कि स्टाफ को बैठाओ, स्टाफ को फ्रीज कर दो। वो तो छोड़ें, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी 70,000 रुपये है, उसमें से अगर हम 8 दिन माइनस कर देते हैं सैटरडे संडे, तो बाकी मेरे पास 22 दिन बचा है। 22 दिन को अगर हम 22 को अगर हम 70,000 से उसको तकसीम करते हैं तो आप सैलरी देख लें, एक दिन की सैलरी मेरी तकरीबन 3.5 और 4 हज़ार के करीब बनती है। जिस दिन ये हमें फ्रीज कर देते हैं सैटरडे को, संडे को, वो दिन हमारी ऑफ होती है, हमारी अटेंडेंस जो है ऑफ होती है, अटेंडेंस नहीं होती। बुलाने के बाद एक दिन की सैलरी नहीं देते, सिर्फ 500 रुपये कन्विंस दिया जाता है, उस दिन ज्यादती नहीं है हमारे साथ। एक दिन की मेरी सैलरी 70,000 रुपये कितना बनता है, आप 8 दिन माइनस करके देख लें एक दिन की सैलरी, कम से कम भाई वो मेरा हक तो दो, हक तलफी तो हो रही है, हक तो छीना हुआ है इन्होंने, हर जगह से छीना हुआ है। अब रहा साहब रमज़ान साहब, आपने कहा कि 5 बजे के बाद बैठना, वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा, वो किसके पास जाएगा भाई, जिसके पास जाना है उन्होंने तो आपको बिठाया हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि शाम 5:30 बजे के बाद जो है बैंक बंद कर दें, सर्कुलर जारी कर दिया कि आपको पता नहीं है कि 9 बजे तक 8:30 बजे तक बैंक खुली है, शोकास करें जो खोल के बैठा हुआ है। रमजान साहब, इससे पहले भी बैंक जो है 5 बजे बंद हुआ गुजाया करती थी, कैसे बंद करते थे, वो चलाने वाले लोग थे, वो तजुर्बेकार लोग थे, वो खानदानी बैंकर थे, बैंकर के औलाद, सन कोटे वाले थे, बैंकर के औलाद बैंकर थे, उनको पता था हमने कैसे सिस्टम को चलाना है, बैंक को चलाना है। मैंने कहा ना भाई, पार्क कैसे उजड़ जाता है, 4 आदमी पार्कों में बैठा हुआ है, सिनेमा उजड़ गया, 2 आदमी सीट में बैठा हुआ है, यूनाइटेड बैंक में 4 आदमी बैठे उजड़ गए, उजड़ गए। बहुत सारी चीजें हैं UBL में जो इस जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं और कई सालों से चल रहे हैं, ये वहाँ सिर्फ एक यूनियन ही है जिसका आप भी हिस्सा हैं, चेयरमैन हैं माशाल्लाह से, क्या UBL वर्कमैन यूनियन CBU ने कोई आवाज़ उठाई, इन मुलाजमन जो चंद मुलाजमन रह गए हैं, अब चंद ही रह गए हैं असल में, मैं तो कहूँगा इकतदार से आए हुए, क्योंकि लोगों से जब उन्होंने वोट लिए, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, तमाम कंप्लेन में यूनियन की कंप्लेन में रह रहा हूँ, आपको पता है साहब कि मैंने खुद देखी है वहाँ, बड़े बड़े वादे, बहुत बुलंद वादे किए गए, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो आज भी वही बदहाली का शिकार है मुलाजमी, मैं बार बार वही कहता हूँ बदहाली। तो इस पर CBU यूनियन बल्कि कहते हैं हम, कि वो कोई कदम क्यों नहीं उठाती, क्या उठाया, या बिक गए, या आलाकार बन गए थोड़े से पैसों के लिए, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपने मुलाजमिन को बेच दिया, आया कई बात। रमजान साहब, आपने कहा कि बेच दिया, जाहिर सी बात है हो सकता है, क्योंकि मैं तो इनका शुरू से इनके साथ ही रहा हूँ और इनके मैं डिमांडों में भी बैठता हूँ। ये असल में बात यह है कि ये प्रो मैनेजमेंट है, सिर्फ UBL में यूनियन नहीं तबाह हुई है, तमाम बैंकिंग सेक्टर्स के कहाँ लीडर बताए ना, कौन निकल के आ रहा है, कौन बाहर है, किसने एग्जाम किया, इसमें चंद एक चोटी के लीडर हैं अभी,
जो हम सबको मुनज़्ज़म कर सकते हैं, अपने मसाइल आगे तक ले जा सकते हैं, उनके पैर उन मसाइल की सीढ़ी तक जा सकते हैं, वो क्यों करें? क्या मुफाद रहे हैं अब उनके? उनके तब को मुफाद आए नहीं है। अब यूनियन जो है ना रमज़ान साहब, सिर्फ मुफादात के लिए हैं, मुफादात के लिए। अगर जो सच्चा बंदा है, जो मज़दूर के लिए काम करना चाहता है, स्टाफ के लिए काम करना चाहता है, तो उसको तो बात ही नहीं करते हैं। उसको तो वो तो उठा कर कई किलोमीटर दूर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ फेंक देंगे उसको? ऊपर से अपने ही प्रो मैनेजमेंट के प्रो लोग हैं सब, मैनेजमेंट अपने ही बंदों से कहलवाती है कि इतना दूर ट्रांसफ़र कर देंगे, याद करेगा। ये डराते हैं, धमकाते हैं, कहाँ निकल के आएंगे? खौफ है, खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ है। खौफ का ये आलम है कि आप देखें। नहीं, मेरा जो मैं आपने बड़ा अच्छी बात की परवेज साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा CBA यूनियन, जैसे हम कहते हैं CBU कहते हैं आप, तो माशी मसाइल तो हैं, सबको ही हाल है, सब जाहिर है मसाइल हैं। लेकिन इस मसाइल में मैंने ये देखा इतने सालों में, उनको मेरे ख्याल शायद एक यूनियन का एक टाइम पीरियड होता है इलेक्शन का, वो भी ख़त्म हो चुका है उनका। अब इलेक्शन करवाना है, मतलब रेफरेंडम होते हैं आपके यहाँ तो UBL में, और रेफरेंडम का वक्त आ गया है। जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो भी है यूनियन के, आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, मसाइल हल क्यों नहीं हुए? मसाइल वजह क्या थी ऐसी? क्या मसाइल हल करने आप जाते थे उनके साथ, बात करते थे इंतज़ामिया से? क्या वो आमादा थी इस बात पे, या वो कहते थे कि यार छोड़ो, सबको छोड़ो, आप अपना मसला बताएं, बस आप 10 आदमी अपने मसला बताएं और हम आपका मसला हल कर देंगे 10 आदमियों का, हम 100 आदमियों का मसला हल नहीं करेंगे। 10 आदमियों का मसला हल करना उनको बड़ा आसान लगता था, लेकिन 100 अफराद का मसला हल करना उन्हें मुश्किल लगता था, इंतज़ामिया को। वो कहते थे छोड़ो यार, आप अपने मीटिंग करें जहाँ जा रहे हैं, कि चाहे हैदराबाद में कर लें, चाहे कोयटा में कर लें, चाहे जहाँ दिल चाहे पाकिस्तान के किसी शहर में भी कर लें, हम आपको TADA होटल वगैरह सब कर देते हैं, ये छोड़े मसाइल वसाइल की बात करना। उसी बहाने से, मीटिंग के बहाने से लोग क्या करते हैं आपके यूनियन के, मैंने जो देखा है अक्सर उकात, वो घूम फिर के आ जाते हैं हम सैर तफरी करके, और ये शो कर देते हैं कि जी मीटिंग हो गई हमारी। तो परवेज साहब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे इस वक्त आयद हो चुकी है, क्यों कि आप उस यूनियन का हिस्सा रहे हैं बल्कि हैं। रमज़ान भाई, जब ये पहला चार्टर्ड हुआ था तकरीबन 1989-90 में, तो 14% जो है स्टाफ को 14% सैलरी का पहला चार्टर्ड। माशाल्लाह पब्लिक समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, और जो सुन रहे वो भी समझदार हैं। 14% के बाद ये 12% हो जाना, 2% का कितना इम्पेक्ट पड़ता है ये कभी आप लगाया, कभी लगा के देखें। उसके बाद दूसरा चार्टर 12 ही में रखना चाहिए था, उसके बाद 8% हो जाता है, दिन ब दिन कम हो रहा है। 8 प्रोफेसर, हाँ 8, 14, 12, 8, अब 8 और 14 का फर्क देख लें। उसके बाद 8% के बाद आप आ जाते हैं 7% पे, और लास्ट चार्टर्ड आया है 5% पे। यार 14% कम से कम, आप 14-15 नहीं ले सकते हैं तो 14 भी तो रुकते हैं आप, 14 तो भी स्टैंड लेते हैं। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि 14 के बाद 5% पे नीचे आना महंगाई ऊपर जा रही है। परवेज साहब मुझे ये बताएं कि आखिरी चार्ट ऑफ डिमांड मुलाजमीन का जो है वो कब मंजूर हुआ, कब आया, कौन से सन में आया? 2018 में जो आखिरी चार्टर्ड हुआ है वो 2 साल के लिए होता है, और उसमें जो है मौजूदा CBA स्टाफ यूनियन, इन्होंने 5% पे किया जी। ये तो तनख्वाहों जो महंगाई के तनासब है उससे भी कम हो गया ना, ये तो बहुत कम हो गया, 14 से 5 आ गए। तो वजह क्या है, मतलब वो राजी हो गए एकदम इस बात पे? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वजह ये है कि इसमें सिर्फ यूनियन इन्वॉल्व नहीं है इसको कम लाने में जी, और उनके मुफादात कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ यूनियन नहीं है इसमें, सिर्फ यूनियन नहीं है। और तो किस पे इल्ज़ाम ठहराए हैं अब, जब यूनियन ही नहीं है? इंतज़ामिया तो चाहेगी कि हम कुछ ना दें। देखिए इंतज़ामिया का हमेशा यही मौक़ रहा है कि जो चंद मुलाजमन रह गए हैं उनको हम धमकाएँ, डराएँ और बैंक से फारिग करें, क्योंकि आप बैंक में मेरे ख्याल जो अपना ड्राइवर हैं और जो छोटे मुलाजमन हैं वो चंद रह गए हैं,
कितने होंगे पूरे पाकिस्तान में अपना प्रवेश? आपको यह है आपको अभी पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 950,000 के करीब स्टाफ, 950,000 की तादाद है नाजरीन, खत्म हो गए हैं। लाखों का स्टाफ था यूबीएल में, यूबीएल में अब जो है ज़्यादातर लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर लोग आ गए हैं जो नॉन बैंकिंग है, मतलब बैंक तो जानते ही नहीं है ना बैंकिंग होती क्या है। यूबीएल की इस वक्त जो बदहाली शिकार है वो सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ पर जो है लोग जो भर्ती किए जाते हैं वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते, वो बैंकिंग से वाबस्ता नहीं होते, वो सिर्फ आते हैं अपने दो साल एक साल के लिए आए, यूबीएल का ठप्पा लगवाया कि जी हम यूबीएल में हमने नौकरी की है इतने साल की, वो कहीं और बैंक में जाके जंप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ वो अपने कम तनख्वाह पे भी काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो है रेगुलर स्टाफ जो है, जो रेगुलर अफसरान हैं, अब जैसे कि अभी परवेज साहब बता रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कम तनख्वाहों की जिम्मेदार जो है अभी 2000 जो बताया अभी वो आखिरी जो पैकेज आया, अब कब पैकेज का आपका क्या कब ड्यू है? अब पैकेज जनवरी से ड्यू हो जाएगा, देखें अब क्योंकि जनवरी से जो ड्यू हो रहा है परवेज साहब, सबसे बड़ी बात तो ये मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि रेफरेंडम का भी वक्त आ चुका है और रेफरेंडम के हवाले से परवेज साहब बड़े ही एक्टिव रहे। अभी हाल ही में इन्होंने रजिस्ट्रेशन का भी मामला हुआ परवेज साहब, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा वाजह करके बताएं वो क्या थी? बहुत कठिन और बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते हैं, इनको सपोर्ट भी होता है, मुखालिफिन को सपोर्ट भी किया जाता है, माली सपोर्ट भी किया जाता है और बहुत कुछ इनको बैकडोर से किया जाता है, यही तो मुफादात हैं इनके। 4% अब 4% पे होगा, 5% पे भी नहीं होगा, 4% पे होगा। इस वक्त जो मौजूदा महंगाई है का जो हाल है परवेज साहब, 14 से आप कह रहे हैं अब 4%, मैं तो कह रहा हूँ ये होगा ही नहीं चार्टर्ड। बुनियादी वजह यह है कि ना ही आला इंतज़ामिया अब ये चाहेगी कि बैंक में रेफरेंडम हो, क्यों जाहिर है अब रेफरेंडम को लोग ही नहीं है, रेफरेंडम किससे लड़ेंगे आप? नहीं, इंतज़ामिया की तो हमेशा से कोशिश रही है ना कि वो सामने नहीं चाहते ना, कौन से इदारा चाहता है कि कहीं पर उस इदारे में हड़बम हो। मिसाल के तौर पे यूनियन को तबाह यूनियन वालों ने या लीडरों ने नहीं किया है, इससे ऊपर भी लोग हैं, इनसे ऊपर लोगों ने तबाह किया है, सिर्फ यूनियन नहीं है। यूनियन देखें, यूनियन का देखें बात यह है कि यूनियन का एक बहुत बड़ा किरदार है तबाही के अंदर परवेज साहब, चाहे वो आपकी यूबीएल की हो, चाहे वो नेशनल बैंक की हो, चाहे वो हबीब बैंक की हो, चाहे वो एलाइड बैंक की हो, इस वक्त जितने भी जो बैंक के जो माली थे इदारे हैं, जितनी भी यूनियंस काम कर रही हैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, यूनियन है और एसोसिएशन है, ठीक है ना। वो आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ में दम नहीं होता, लोग अब बाहर नहीं आते, एहतजाज करने के लिए नहीं आते। पेंशनर्स, यूबीएल के जो पेंशनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बदहाली का शिकार है मेरी नज़र में, सबसे ज़्यादा नाज़रीन इस वक्त जो पेंशनर्स हैं ना, जो पेंशन जिन्होंने बैंकों की इतनी 20-20 साल 30-30 साल जो खिदमत की बैंकों की, वो इस वक्त बदहाली का शिकार है। अब हुकूमत पाकिस्तान इन पेंशनर्स को कोई सपोर्ट नहीं करती, मुकदमात जो है ये करते हैं पेंशनर्स, ज़ाहिर इनके वसाइल नहीं होते, आला इंतज़ामिया के अगर वसाइल भी होते हैं, पटिशन पे पटिशन दायर होती हैं लेकिन मसाइल जू के तू ही रहते हैं। अब इस वक्त जो बैंकों का जो हाल है नाज़रीन मैं बता नहीं सकता आपको, उसमें यूबीएल भी शामिल है, नेशनल बैंक भी शामिल है, हबीब बैंक भी शामिल है, एलाइड बैंक भी शामिल है और दीगर बैंक भी शामिल हैं। इन तमाम मालकान का सिर्फ एक ही मौक़ है कि यहाँ से जो रेगुलर मुलाजमीन हैं बैंकों के अंदर उनको निकाला जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का कम तनख्वाह पे लाएं, जो ये लाखों रुपये तनख्वाह ले रहे हैं इनको निकाल के हम 20-20, 15-15 हज़ार रुपये में मुलाजमीन ले आएंगे और वो रात गए तक काम करते हैं, चाहे उसमें ख़वातीन हों चाहे उसमें छोटे मुलाजमीन हों। प्रवीण साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, खुशामदी लोगों को पसंद कर रहे हैं, सच्चे लोगों को कहाँ पसंद कर रहे हैं, खुशामदी लोगों बैंक में अगर जिनको नाज़रीन सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको वादा बताते चलूँ कि कोरोना का जो ये रहा है वो अभी फिर एक लहर कोरोना की आ रही है, बैंकों के जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने घर में बैठ कर बैंकिंग से काम किया, जो छोटे मुलाजमिन हैं जो ब्रांचों में काम कर रहे होते हैं उन्होंने फ्रंट पर रह के
बैंकिंग सिस्टम को चलाया। आप यकीन करें लोगों को कोरोना भी हुआ, कई लोग तो इसमें, मेरे ख्याल कई बैंकों के लोग तो इसमें जान भी दे चुके हैं, लेकिन बैंक की आला इंतज़ाम की बेहसी देखें आप कि उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। यह नहीं सिर्फ एक सैनिटाइज़र या मास्क, और उनको कहा गया कि नहीं जी आप बैंक में काम करें, क्योंकि लोगों का वहाँ रश होता है। इस वक्त नेशनल बैंक के अंदर जो सबसे ज़्यादा रश होता है, उनकी मैं तो कह रहा हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करते हैं हम नेशनल बैंक के लोगों को, कि जो स्टाफ को जो ये इस मुश्किल हालात के अंदर भी वो अपने जो है सार्फीन है उनको बेहतरीन सर्विस दे रहे होते हैं। तो इसी तरह UBL का भी यही हाल है, और हमारे साथ बैठे हैं परवेज साहब, और आज हम उससे बड़ा अहम सवाल करने जा रहे हैं कि UBL के मुलाजमीन कोरोना के अंदर जो सर्विस दिए हैं उस पर कोई बैंक की आला इंतजामीन है, कोई उनको कोई इजाफी कोई तनख्वाह में इजाफा या इजाफे कोई भी मराद कह सकते हैं हम कि कोई मराद वगैरह दी हो? नहीं, वो एक मास है लोकल जो दे देते हैं, एक मास दे देते हैं सिर्फ बैंक के अंदर कि आप ये मास लगा के रखें और कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरासीम जो है, सबसे ज़्यादा कोरोना वो तो है ही नोटों में, सबसे ज़्यादा कोरोना नोटों में। लेकिन मैं इसको ये कहूँगा बैंक में कोरोना नहीं है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो बैंक में आ जाए। अगर बैंक में कोरोना होता तो हम लोग बैठे होते हैं, कोई कौन कहता है बैंक में किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में कोरोना नाम की चीज़ नहीं है। कोरोना भी आने में डर रहा है UBL में, कोरोना भी नहीं आ रहा डर के हमारे। जिसको भी कोरोना से बचना है आ जाए ब्रांचों में आके आराम करें, रात 11 बजे तक बैठे, एसी खुला होता है ना, चाय बंद रही होती है, जनरेटर चल रहा होता है, रात 11 बजे तक बैठे। कोरोना नहीं है बैंक में, ब्रांचों में कोरोना नहीं है। हाँ, हो सकता है हेड ऑफिस में कोरोना का खौफ हो, लेकिन ब्रांचों में नहीं। हेड ऑफिस के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैंने यही कहा ना आपसे परवेज साहब कि वो घरों में रह के बैंकिंग सिस्टम उन्होंने संभाला हुआ था, वो बैंक हेड ऑफिस में नहीं आते थे, चाहे वो हबीब बैंक की एग्जीक्यूटिव हों, चाहे वो UBL के एग्जीक्यूटिव हों, चाहे वो नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव हों, चाहे वो लैंड बैंक के या किसी भी दीगर बैंकों के एग्जीक्यूटिव हों, वो अपने घर से बैंक तक नहीं आते थे। वो सिर्फ अपने लैपटॉप पे या अपने घर में जो भी उनको सहूलत थी इंटरनेट के ज़रिए वो बैंकिंग करते थे। वो कहते थे नहीं यार हम नहीं जाएंगे, कोरोना का डर था। क्या कोरोना वो डर इन मुलाजमीन को नहीं जो ब्रांचों में काम कर रहे थे फ्रंटमैन? रमजान भाई, मैंने कहा ना आपसे कि साफ सुथरा है ना, जो साफ सुथरा जगह है वहां तो कोरोना बड़ी तेजी से जाएगा। हम तो खुद जरासीम में बैठे हैं, कोरोना हमसे डर रहा है। हमारे पास जो नोटों में जितने बड़े बड़े कोरोना है तो छोटा कोरोना हमसे डर रहा है, वो कैसे आएगा ब्रांच के अंदर? वो कोरोना तो सब हेड ऑफिस में ही जाएगा ना, वो खौफ के मारे भागे में, वो खौफ के मारे घरों में जाके बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं है कोरोना, ना हमें कोई इंस्ट्रक्शन देगी मैनेजमेंट कि आप लोग भी घर पे जाके। अब 50 हूँ तकरीबन, 60 में 2-3 साल मेरी उम्र कम है। सबसे ज़्यादा कोरोना इन उम्र के लोगों को और ब्रांच में बैठे हैं, और जो 16, 18 या 26 साल के बच्चे हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं 18-20 साल के, उनको कोरोना है, खौफ घरों में बैठे हुए। यार नमाज पढ़ने के लिए शलवार कमीज की इजाज़त नहीं है। अगर कोई स्टाफ जुमे वाले दिन शलवार कमीज पहन के जाता है कि आसानी से नमाज पढ़ लेंगे, है ना, जहन कहीं गलत ना भटके कि मेरे कपड़े तो नहीं फटे हुए, उस खौफ के मारे जो है अगर शलवार कमीज पहन लेता है तो उसकी मोबाइल से तस्वीर खींच के सेंड किया जाता है कि ये शलवार कमीज पहना हुआ है। मेरे भाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रियासत मदीना, इस्लामी बैंकिंग और जुमे वाले दिन शलवार कमीज पहनने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात और सुने आप, जो आपकी बैंकिंग टाइमिंग है, अब वो बैंकिंग टाइमिंग का सर्कुलर स्टेट बैंक में निकाला हुआ है, वो टाइमिंग है 1:30 से लेकर 2 बजे तक, 1:30 से 2, वो ऑर्डर पास हो गया, दीवारों के बाहर लगे हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। मैं उसकी टाइमिंग शो कर सकता हूं टोकन में और डे ऑफ एंड में जो रिसीविंग पेमेंट आप करते हैं उसका टाइमिंग मैं शो कर सकता हूं,
इस टाइमिंग पे बैंकिंग हो रही है और स्टाफ से बैठा करके जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, स्टाफ को बैठा करके जबरदस्ती, और रात 11-11 बजे तक स्टाफ को बिठाया जाता है, 11-11 बजे तक रात स्टाफ को बिठाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इदारे की जिम्मेदारी है कि मुलाजमीन की ड्यूटी के लिए बेहतर और साजगार माहौल, बेहतर और साजगार माहौल फराहम करें ताकि मुलाजमीन बगैर किसी जहनी दबाव के अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम दे। तो जहनी दबाव, कोई नहीं जाता, बैठे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे काम है, जो ब्रांच खुल रहा है 2 CACM सस्पेंड करें, ROS से पूछें क्यों बैठा हुआ, DM को सस्पेंड करें, चार्जशीट करें, शोकास करें, स्टेट बैंक एक्शन क्यों नहीं ले रही है, पैसे जो इंश्योरेंस कंपनी क्यों नहीं एक्शन ले रही है जो ब्रांचें 11-11 बजे तक खोल के बैठे हुए हैं, 11 बजे तक 10 बजे तक ब्रांचें खोली, ये ऑफिशियली नहीं खुलता, सर्कुलर बाहर लगा दिया गया है, वो ऐसे बोलते दो चाय लिया भाई के लिए दो चाय, वो काम कर रही है नहीं है, सब तबाह है, सब तबाह है। मैंने कहा ना मेरे भाई सैनमा तबाह, जाके देखिए उजड़ गया, कोई भी नहीं है, पार्क में उजड़ गया, यूनाइटेड बैंक में जाके देख लें, उजड़ गया सिवाय 2-3 स्टाफ के। अच्छा परवेज साहब, मैं अब ज़ाहिर है प्रोग्राम का वक्त इतना तवील नहीं होता हमारा, हम चाहते हैं कि मसाइल पर ज़्यादा गुफ्तगू करें, मुलाजमन के मसाइल पर ज़्यादा गुफ्तगू करें, और इसको कोशिश करें कि ऐवानों तक हम ये आवाज़ पहुँचाएँ, क्योंकि मसाइल को हल करना हमारा काम नहीं है, लेकिन मसाइल बताना, ऐवानों में पहुँचाना, आला जो हमारी हुकूमत है, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो सब हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, असल हमने बताया ना कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, को किसी के को तनकीद करना नहीं है, चाहे वो यूनियन है, चाहे वो आला इंतज़ामिया है, अच्छा काम करेंगे हम उनकी वाह वाह करेंगे कि नहीं जी UVL के इंतज़ाम बहुत अच्छी इंतज़ामिया है, मुश्किल हालात में भी वो अपने लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, पैसे भी नहीं है। पेंशनर्स की पेंशन का आप हाल देख लें आप, मैं कहता हूँ कि टीचर की तनख्वाह, टीचर जो होता है वहाँ का एक चपरासी एजुकेशन का, उसकी तनख्वाह और उसकी पेंशन को अगर देख लें, और एक UVL के या दीगर बैंकों के मुलाजमन की तनख्वाह और पेंशन देख लें तो आपको शर्म आ जाएगी। तो अब परवेज साहब, हम आपसे बड़ा अहम सवाल और आखिरी सवाल करने जा रहे हैं इस यूनियन का, कि अब यूनियन का क्या मुस्तकबिल है, और आंदा आने वाले वक्तों में यूनियन क्या मुलाजमन के मसाइल को हल कर कल पड़ा पाएगी, या बैंक के आला इंतज़ामिया यहीं पर ही ताला लगा देगी यूनियन को कि भाई बस हो गए रेफरेंडम, बस अब आपको 4% या 5% देंगे, क्योंकि लोग ही नहीं है। नहीं, बैंक की यूनियन को क्या ताला ये लगाएंगे, ताला तो हमारे जो और दीगर इदारे हैं उन्होंने लगा दिया ना। अब हमारे स्टाफ हैं वो, हमारे आइन ये कहती है कि ऑफिसर को हम मेंबरशिप दे सकते हैं Grade 1 तक के, ठीक है, हम ऑफिसर को अगर मेंबरशिप देने जाते हैं, और ये हुआ है माजी में हुआ है, और जो लोग सुन रहे हैं ख़ासकर यूनाइटेड बैंक के जो स्टाफ सुन रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि केमाड़ी से हमने दिया, केमाड़ी में 5-6 लोगों को दिया, उसके बाद हम आए डाक लेबर बोर्ड को, हमने ऑफिसरों को मेंबरशिप दिया, फिर उसके बाद हम आए खड्डा मार्केट ब्रांच को, अब नया नाम इन्होंने क्या रखा नहीं पता, खड्डा मार्केट ब्रांच को दिया, उसके बाद जब खड्डा मार्केट ब्रांच के रास्ते में एक कहीं से गुमनाम फ़ोन आया हमारे चेयरमैन साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, उसके बाद वो कहानी ख़त्म हो गई। तो कहीं से फोन है, सिर्फ यूनियन नहीं है, इसके पीछे और भी है। अब हम अगर इस स्टाफ को लाने के लिए हम 12,000 के स्टैंड कर सकते हैं, 10,000 के स्टैंड कर सकते हैं, अगर हम सबसे पहले इसको, हम जैसे ही हमने इनको मेंबरशिप फॉर्म देना शुरू किया, उस लड़के को इलाके से अपना एरिया मैनेजर का फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि जाओ बेटा फलाने जगह ट्रांसफ़र है तुम्हारी। अब उसके लिए हम अगर अदालतें जाते हैं तो सालों लग जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन सिर्फ
हमारे आला इंतजामिया की तरफ से रुकावट ही नहीं है, फैसला एक हफ्ता मतलब मैं थोड़ा सा वाजह हो गई बात, बड़ी अच्छी बात की कि अदालतों के फैसले अगर ये लेबर के अगर जल्दी जल्दी हो जाएं तो अब जाहिर है देखें बात ये भी होता है ना अपना परवेज साहब के वसाइल की बात भी होती है, आला इंतजामिया के पास वसाइल होते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास वसाइल नहीं है, आप एक मुकदमा करते हैं उसमें मिसाल के तौर पर हार जाते हैं, अब दूसरा करने के लिए आप फिर चाहिए, आप फंडिंग इतनी है ही नहीं, लोग इतने हैं ही नहीं जो आपको फंड दे सकें, वो कहते नहीं यार हमारा घर में गुजारा करना मुश्किल है, हम क्या आपको चंदा दें। पहले बैंकों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे चंदे के ज़रिए होते थे, यूनियन कराती थी, कोई रिटायर हो रहा है तो प्रोग्राम हो रहा है, कोई हज पे जा रहा है तो प्रोग्राम हो रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है तो प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कितने प्रोग्राम होते थे मतलब बैंकों के अंदर। अब बता दें किसी बैंक में मैंने नहीं देखा कि अब कोई प्रोग्राम होता हो, अगर कोई हज पे जा रहा होता है तो बेचारा अपने घर में बुला के चार लोगों को खाना खिला देता कि यार बस मेरी यही। रमज़ान साहब मैंने अभी ये बात पिछले आपके चंद मिनट पहले मैंने कहा ना, अगर ट्रेड यूनियन और इनको बचाना है तो एनजीओस को आना पड़ेगा, बहुत बदहाली के शिकार है, मैदान में एनजीओस को आना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एनजीओस आकर के ये यूनियन को लीडरी कराएं, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनके केसेस एक पैनल बना दे, एनजीओस एक पैनल बना दे, है ना, लेबर कोड के लिए एक पैनल बना दे, उनके लिए लड़े, जायज़ के लिए लड़े, नाजायज़ के लिए कौन नहीं लड़े, जो जायज़ है देखें किसके साथ ज्यादती हुआ, जुल्म हुआ है, एक पैनल बना करके आए, नहीं है लोगों के अंदर ताकत लड़ने की। मैंने कहा ना कि उसको सैलरी में से अगर 2-4-6 हज़ार रुपया वो बचाता है तो अपने बच्चों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए, अपने आखरत, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए वो पैसा बचा रहा है, क्योंकि पेंशन का हाल देख लेना, 80% रिटायरमेंट बेसिक का 80% इन्होंने हमसे छीन लिया, और छीन के कहते हैं कि जाओ ले सकते हो तो ले लो, कहाँ जाएं, किससे लेने जाएं, जहाँ लेने गए 18 साल हो गए, 18 साल हम उन भुलभुलैयों के अंदर हैं, नहीं है। मैंने कहा ना कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेबर कोर्टों में नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट में ये केस गया हुआ है, क्या हुआ 2001 का, क्या वही अंजाम करना चाह रहे हैं कि किसी को ला करके किसी बच्चे के लिए हम केस, किसी को ऑफिसर को अगर मैं एंट्री दे दूं इसके अंदर, उसके बाद उसके ऊपर केस हो जाए, वो भी बच्चा 20 साल तक लड़ता रहे। एनजीओज आए हैं, मैं कहता हूँ एनजीओ संभाले इनको, ये तबाह किया हुआ इन्होंने, जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रहा है स्टाफ के साथ, देखें आकर के ये हर चीज़ अपने ताकत से काबू में किया हुआ, हर चीज़ को ताकत में, ताकत से रुका हुआ इन्होंने। बोलते हैं ना चाइना के 5 फिंगर नहीं है, ये 5 फिंगर है, ये 5 फिंगर हैं, एलाइड, हबीब, एमसीबी, नेशनल, स्टेट, ये 5 फिंगर ने बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ इनको। नाजरीन ये थे यूबीएल वर्कमैन यूनियन सिंध बलोचिस्तान के चेयरमैन परवेज हसन साहब, जो हमें यूबीएल की बदहाली पे, मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू का सिलसिला ये नाजरीन हमारा चलता रहेगा, हम लोगों को यहाँ बुलाते रहेंगे, मसाइल पे बात करते रहेंगे। मैंने अभी कहा आपसे बार बार, यही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, खुदारा इन बैंकों के मुलाजमीन जो इस वक्त परेशान हैं उनको देखें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वक्त बैंकों में जो लोग काम कर रहे हैं वो किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं आपको अंदाज़ा हो या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सेट लोग जो बैंकों के बादशाह बने हुए हैं, जो फ़िरौन से भी बढ़कर ही हैं मेरी नज़र में, तो फ़िरौन ने तो इतना जुल्म नहीं किया था, लेकिन ये फ़िरौन से भी ज़्यादा ही हैं समझ लें, कि आप इन पर ज़रा अपना नज़रसानी करें, मुलाज़मीन के जो परेशानी उन पर ज़रा नज़रसानी करें, पेंशनर्स का जो मसला है उनको ज़रा कोशिश करें कि हल हो। बस हम तो यही कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ साहब कि आप हमारी दावत पर यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। कोई अगर पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि मेरी गुजारिश होगी जनाब इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप कोई लेबर पॉलिसी दे दें, कोई लेबर पॉलिसी नहीं है, नई IRA दे दें,
जिसमें काफ़ी माहिर लोगों को बैठाएं, बहुत परेशान हाल है, बहुत परेशान हाल है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, सब जगह सरमायादार आगे बैठ गए हैं, कम से कम थोड़ी सी रिलीफ दे दें इमरान खान साहब, एक नई लेबर पॉलिसी दे दें, एक नई IRA दे दें। आपसे मेरी हाथ जोड़ कर के मैं कहता हूँ, इन मजदूरों के लिए, इन मजदूर लीडरों के लिए कुछ कर दें, कम से कम ये निकल के तो आए कोई IRA के लिए। 9 to 5 हमें देखें, 9 to 5 27B जो लगा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर ये है कि 9 to 5 आप ट्रेड यूनियन नहीं कर सकेंगे। जब आपके सारे वोटर, सारे स्टाफ घर जाके सो जाएंगे, है ना, तो आप दीवारों के साथ जो है वो ट्रेड यूनियन करेंगे। बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है इमरान खान साहब। बहुत अच्छी बात की परवेज साहब ने कि लेबर पॉलिसी जो ना होना लाजमी है। लेबर को जिस वक्त बिल्कुल रियासत मदीना की जो लेबर है वही अगर परेशान हो तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर ख़जाना हो, गवर्नर स्टेट बैंक, इस पर नज़रसानी करेंगे और इन लेबर पॉलिसी के हवाले से जो बात की परवेज साहब ने उसको करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए एम रहमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।